18,999 रुपीज, 6 GB 128 GB वेरियंट का और 8 GB 128 GB वेरियंट का प्राइस है 19,999 रुपीज। तो क्या हमें 20,000 में मिल रहा है, सभी स्पेसिफिकेशंस इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले चलिए इस बॉक्स को अनबॉक्स कर लेते हैं। उससे पहले गाइस आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करके रखिएगा। और यहाँ पे बॉक्स को कर दिया है अनबॉक्स और यहाँ पे बिल नजर आता है। और इसके अलावा ये रहा दोस्तों रियलमी 10 प्रो 5G स्मार्टफोन। दोस्तों फ्लिपकार्ट से मैंने 19,000 में ये स्मार्टफोन परचेज किया है और बॉक्स कुछ इस तरीके से Realme 10 Pro 5G स्मार्टफोन की नजर आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हो Realme 10 Pro बड़े अक्षर में लिखा गया है 5G और चारों तरफ यहाँ पे Realme 10 Pro एंड Realme का ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है। इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी ब्रांड भी ऊपर यहाँ पे मेंशन किया गया है। एंड बॉक्स के चारों तरफ क्या कुछ लिखा गया है चलिए थोड़ा सा नजर डालते हैं। इस स्मार्टफोन में दो ही वेरिएंट है, अलग अलग कलर यहाँ पे इस स्मार्टफोन में है। मैं बताऊंगा क्या कुछ कलर में ये डिवाइस अवेलेबल है। और यहाँ पे देख सकते हो 21,999 रुपीज प्राइस मेंशन किया गया है, लेकिन डिवाइस की कीमत है ओनली 18,999 रुपीज। बॉक्स के पीछे मेंशन किया गया है डिवाइस के बारे में, जैसे कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में आपको एक डिस्प्ले देखने को मिलेगा। 108 मेगापिक्सल का यहाँ पे रियर कैमरा दिया गया है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 5G चिपसेट दिया गया है और साथ में यहाँ पे 5000 mAh बैटरी और यहाँ पे 33 वाट फास्ट चार्जर एंड फास्ट वेन सपोर्ट भी दिया गया है। चलिए सबसे पहले बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं और बॉक्स के अंदर क्या कुछ दिया गया है नजर डालते हैं। उससे पहले गाइज आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिए। और यहाँ पे बॉक्स को हमने अनबॉक्स कर दिया और जैसे ही अनबॉक्स करते हैं यहाँ पे देख सकते हो रियलमी 10 प्रो स्मार्टफोन की बॉक्स के ऊपर एक सेक्शन दिया गया है। इसी सेक्शन के अंदर यहाँ पे सिम इजेक्टर ऊपर देखने को मिल रहा है, इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंटेशन है और ये एक ट्रांसपेरेंट केस कवर। और ये रहा दोस्तों रियलमी 10 प्रो 5G स्मार्टफोन नेबुला ब्लू कलर में। जी दोस्तों इसी स्मार्टफोन को मैंने ब्लू कलर में परचेज किया है फ्लिपकार्ट से। और इसके अलावा यहाँ पे एक अडॉप्टर नजर आता है जिसका आउटपुट है 11 वोल्ट एंड 3 एम्पियर, यानी यहाँ पे 33 वाट फास्ट चार्जर अबुक चार्जर जो ओप्पो का है वो प्रोवाइड कर दिया गया है। एंड इसी अडॉप्टर का अलावा हमें यहाँ पे एक टाइप सी केबल भी दिया गया है, टाइप ए टू टाइप सी केबल। तो ये सभी बॉक्स कंटेंट। अब चलिए स्मार्टफोन को देख लेते हैं और यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से बढ़िया लुक्स एंड डिजाइन के साथ नेबुला ब्लू कलर में रियलमी 10 प्रो 5G स्मार्टफोन। ये दोस्तों काफी अच्छा लग रहा है, बेहतरीन डिजाइन के साथ ये स्मार्टफोन है और डिवाइस में अलग अलग कलर देखने को मिल जाता है। डिवाइस के बैकबॉडी की तरफ देखा जाए तो यहाँ पे डुअल रियर कैमरा दिया गया है, LED फ्लैश और रियलमी का ब्रांडिंग भी दिया गया है। तो ओवरऑल देखा जाए एक खूबसूरत डिवाइस है, बैकबॉडी की तरफ देखा जाए फ्लैट बैकबॉडी दिया गया है। बाकी क्या कुछ दिया गया है चलिए देख लेते हैं। डिवाइस के साइड में वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन, पावर बटन, इसके साथ में फिंगरप्रिंट स्कैनर है। एंड नीचे की तरफ चलिए देख लेते हैं, स्पीकर ग्रिल है, टाइप सी पोर्ट है, माइक्रोफोन एंड 3.5 mm ऑडियो जैक भी दिया गया है। ऊपर की तरफ यहाँ पे नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन। डिवाइस की तरफ देखा जाए सिम ट्रे दिया गया है। और ओवरऑल स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी डिजाइन मुझे तो खास करके काफी अच्छा लगा, कलर भी काफी मस्त लगा। डिवाइस में आपको यहाँ पे हाइपर स्पेस गोल्ड एंड डार्क मैटर और दो कलर इस स्मार्टफोन में है। और डिवाइस बॉक्सी डिजाइन के साथ काफी खूबसूरत है, अलग अलग यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन भी देखने को मिल जाता है। स्मार्टफोन की वेट के ऊपर बात करूं तो डिवाइस की वेट है जो है 190 ग्राम इस फोन की वेट रखा गया है एंड 8.1 mm थिकनेस के साथ ये डिवाइस है। स्मार्टफोन की बैकबॉडी के ऊपर बात करूं तो जो बैकबॉडी है पॉलीकार्बोनेट यानी प्लास्टिक बैकबॉडी के साथ ये डिवाइस है और जो फ्रेम दिया गया है वो सेम यहाँ पे प्लास्टिक फ्रेम के साथ ये डिवाइस है। और चलिए दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं इसी स्मार्टफोन की अदर स्पेसिफिकेशंस के ऊपर। और डिवाइस की जो प्राइस है जिस रेंज के हिसाब से ये डिवाइस है उस रेंज के हिसाब से डेफिनेटली अच्छा खासा यहाँ पे लुक्स डिजाइन बिल्ड क्वालिटी के मामले में डिवाइस देखने को मिल रहा है। अगर बैक बॉडी ग्लास का होता तो देखने में काफी ज्यादा मजा आता, लेकिन यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट की बैक बॉडी दिया गया है। साथ में यहाँ पे हमें मैट फिनिश भी देखने को मिल जाता है बैक बॉडी में थोड़ा बहुत, तो स्क्रेचेस काफी कम आएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं इसी स्मार्टफोन की Realme 10 Pro 5G स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में। जी दोस्तों इसी स्मार्टफोन में एक अच्छा क्वालिटी का डिस्प्ले भी प्रोवाइड कर दिया गया है। डिवाइस में एक लार्ज स्क्रीन यहाँ पे दिया गया है। जी दोस्तों IPS सीरीज के साथ में एक स्क्रीन देखने को मिल रहा है, पंच होल कैमरा के साथ में 6.72 inches का यहाँ पे फुल HD+ स्क्रीन दिया गया है। 1080x2400 का पिक्सल्स रखा गया है, 392 PPI रखा गया है। तो देखा जाए एक अच्छा क्वालिटी का रिफ्रेश रेट भी हमें देखने को मिल जाता है 120 Hz रिफ्रेश रेट के साथ इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले है। जो डिस्प्ले क्वालिटी है डेफिनेटली अच्छा खासा मिल रहा है और साथ में यहाँ पे कलर वगैरह डिस्प्ले के मामले में काफी अच्छा है, स्मूथ एक्सपीरियंस डेफिनेटली देगा। तो गेमिंग के मामले में हो या फिर वीडियोस वगैरह देखते हो आप तो डेफिनेटली इसी स्मार्टफोन में एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा।
और चलिए दोस्तों फिलहाल बात कर लेते हैं इसी स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस के बारे में। डिवाइस में दो वेरिएंट है मेरे पास, जो वेरिएंट है ये है 6GB रैम एंड 128GB इंटरनल स्टोरेज है वेरिएंट। अच्छा दोस्तों डिवाइस में और एक वेरिएंट है जो अपर वेरिएंट है, वो आता है 8GB रैम एंड 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में। फिलहाल स्मार्टफोन में दो ही वेरियंट है और डिवाइस में जो यहाँ पे प्रोसेसर दिया गया है 5G प्रोसेसर दिया गया है। डिवाइस 4G नहीं है, 5G है, जो प्राइस रेंज के हिसाब से 5G मिलना ही चाहिए। और चलिए अब बात कर लेते हैं प्रोसेसर के ऊपर। डिवाइस में जो प्रोसेसर दिया गया है क्वालकॉम की तरफ से प्रोसेसर दिया गया है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 5G चिपसेट दिया गया है 2.2GHz क्लॉक स्पीड के साथ में। तो अच्छा खासा प्रोसेसर दिया गया है, 6nm फैब्रिकेशन में ये ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, एड्रेनो 619 GPU दिया गया है। तो आपको यहाँ पे जो एंड्रॉइड वर्जन मिलता है वो लेटेस्ट मिल जाता है, एंड्रॉइड 13 एंड रियलमी UI वर्जन 4.0। यहाँ पे डिवाइस के बारे में सभी मेंशन किया गया है, 6.7 इंचेस का डिस्प्ले, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर, 6GB प्लस यहाँ पे एडिशनल 6GB रैम दिया गया है। फ्रंट कैमरा यहाँ पे 16 मेगापिक्सल, रियर कैमरा 108 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल। ये सभी यहाँ पे अबाउट सेक्शन पे मेंशन किया गया है डिवाइस के हाइलाइटिंग पॉइंट्स। और चलिए दोस्तों फिलहाल बात कर लेते हैं इसी स्मार्टफोन की बैटरी परफॉर्मेंस के ऊपर। जो बैटरी यहाँ पे देखने को मिल जाता है हमें रियलमी 10 प्रो 5G स्मार्टफोन में, वो है 5000 mAh का बैटरी। साथ में यहाँ पे फास्ट सपोर्ट भी दिया गया है जो 33W का है, यानी तेजी तरीके से आप अपने डिवाइस को चार्ज भी कर पाओगे और लंबे वक्त तक चला पाओगे, तो काफी अच्छी बात है। फुल डे बैकअप आराम से आपको मिल जाएगा, साथ में यहाँ पे स्पीड तरीके से चार्ज कर पाओगे। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा यहाँ पे हमें फास्टिंग सपोर्ट ज्यादा देना चाहिए था, यहाँ पे 33W का जगह यहाँ पे कम से कम 50W का होना चाहिए था। और चलिए दोस्तों फिलहाल बात कर लेते हैं इसी स्मार्टफोन की सिक्योरिटी के ऊपर। डिवाइस में फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक, पिन पठन तीनों ही इस्तेमाल कर सकते हो। जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। चलिए फिंगरप्रिंट स्कैनर यहाँ पे सेट कर लेते हैं और देखते हैं किस तरीके से ये काम करता है, स्लो होगा या फास्ट होगा। यहाँ पे देख सकते हो काफी तेजी तरीके से यहाँ पे जो डिवाइस है सेट हो चुका है फिंगरप्रिंट स्कैनर। अब देखते हैं किस तरीके से परफॉर्म करता है, बहुत ही फास्ट एंड एक्यूरेट तरीके से डिवाइस को अनलॉक कर रहा है डेफिनेटली रियलमी 10 प्रो 5G स्मार्टफोन की फिंगरप्रिंट स्कैनर। और अब बात कर लेते हैं इसी स्मार्टफोन की कैमरा स्पेसिफिकेशंस के ऊपर। या दोस्तों डिवाइस में जो रियर कैमरा दिया गया है 108 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है, अपर्चर f1.8 के साथ में दिया गया है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा दिया गया है अपर्चर f2.4 के साथ में। डिवाइस में जो सेल्फी कैमरा दिया गया है 16 मेगापिक्सल अपर्चर f2.5 के साथ में दिया गया है। तो कैमरा स्पेसिफिकेशंस भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। चलिए कुछ फोटोज क्लिक करते हैं इसी स्मार्टफोन के साथ में एंड उसके बाद किस तरीके से आउटपुट निकल के सामने आता है हम देखेंगे। और वीडियोग्राफी के ऊपर बात करूं, 1080p 30fps पे आप रियर एंड सेल्फी कैमरा के साथ वीडियो शूट कर पाओगे। और डिवाइस के कैमरा के मामले में तरह तरह के यहाँ पे हमें ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जो प्रो मोड है वो है 108 मेगापिक्सल का, नॉर्मल मोड तो वही 16 मेगापिक्सल 13 मेगापिक्सल रहता ही है, और यहाँ पे जो प्रो मोड दिया गया है 108 मेगापिक्सल जिसमें आपको थोड़ा सा बेटर क्वालिटी निकल के सामने आता हुआ दिखता है। और चलिए कुछ फोटोज देख लेते हैं और उसके बाद आउटपुट किस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। फोटोज क्लिक किया है, हल्का फुल्का यहाँ पे ब्लर इफेक्ट हमें देखने को मिल जाता है जो ठीक ठाक है, ओके है। तो गाइज यहाँ पे हमें 19000 में काफी अच्छा खासा फीचर्स मिलता है, 6GB रैम मिलता है, 128GB इंटरनल स्टोरेज, अगर 8GB 128GB चाहिए तो आपको 2GB एक्स्ट्रा रैम के लिए यहाँ पे 1000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, यानी 20000। डिवाइस में यहाँ पे हमें 6.72 इंचेस का यहाँ पे फुल HD प्लस स्क्रीन दिया गया है, 108 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 5000 mAh का बैटरी दिया गया है, साथ में यहाँ पे फास्ट सपोर्ट भी दिया गया है 33W का। जी दोस्तों, और डिवाइस की प्राइस रेंज के हिसाब से ठीक ठाक डिवाइस है, अच्छा है, खराब नहीं है, ऑफलाइन मार्केट के हिसाब से ठीक डिवाइस है। और कमाल की बात है हमें यहाँ पे 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, काफी लार्ज यहाँ पे डिस्प्ले प्रोवाइड कर दिया गया है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 जैसा एक पावरफुल प्रोसेसर दिया गया है जो 5G है। और प्राइस रेंज के हिसाब से देखा जाए तो ठीक ठाक डिवाइस है, अच्छा है। आपको कैसा लगा नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइए कि डिवाइस के प्राइस रेंज के हिसाब से जो 20000 या फिर 19000 का डिवाइस है उस रेंज के हिसाब से क्या कुछ इंप्रूवमेंट होना चाहिए था, क्या कुछ कमी लगा। मुझे तो खास करके एक ठीक ठाक डिवाइस लगा, अच्छा लगा। आप डेफिनेटली इस स्मार्टफोन को परचेज करना चाहते हो तो नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे मैंने एक लिंक दे दिया, वहां पे जाके इस स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हो, आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा साथ ही साथ गिफ्ट मिलेगा। तो ये दोस्तों आज के वीडियो में, तो बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।